हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं रियल क्रिकेट 2022, जो कि है वर्ल्ड कप T20 की फाइनल मैच, जो कि होने वाली है। आप सभी को पता ही होगा, हमने लास्ट वाले दो एपिसोड में भी जीता था इंडिया और पाकिस्तान को फाइनल मैच खिलाने के लिए। यहाँ पे हमने टॉस जीत चुके हैं। टॉस जीतने के बाद हमने बॉलिंग का निर्णय लिया है। पहला बॉल वहाँ पे एक रन आता है, लेकिन दूसरा बॉल ही यहाँ पे विकेट मिल जाती है मेरे को। मोहम्मद रिजवान यहाँ पे डक आउट हो जाते हैं। भाई मेरे को पता भी नहीं था कि यहाँ पे आउट हो चुका है, लेकिन विकेट मिल जाती है। सेकेंड ओवर मैं यहाँ पे दलाने वाला हूँ मोहम्मद शमी से। पहला बॉल वहाँ पे कुछ रन नहीं आते, सेकेंड बॉल फोर चला जाता है फाइन पे। यहाँ पे थर्ड ओवर जो ही खतरनाक, नो बॉल जाने के बावजूद भी कोई भी वहाँ पे बाउंड्री नहीं आती है। फोर्थ ओवर यहाँ पे मैं फिर से देता हूँ मोहम्मद शमी को, और यहाँ पे देने के बाद दूसरा बॉल ही उन्होंने विकेट ले चुके हैं। फोर्थ ओवर खत्म होते ही मैं लेके आता हूँ यहाँ पे हार्दिक पांड्या को, और लेके आने के बाद पहला बॉल ही यहाँ पे थर्ड मैन की दिशा में जा चुका है फोर्थ। उसके बाद सिक्स ओवर मैं दे देता हूँ अर्षदीप को। यहाँ पे जो ही खतरनाक वाली बॉलिंग कराई थी ना उन्होंने, लास्ट बॉल चौका चला जाता है। एक चौका जाता है भाई, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। और मोहम्मद सिराज को मैं यहाँ पे खिलाने वाला था, लेकिन फाइनल मैच जो भी मोहम्मद सिराज नहीं थे, इसकी वजह से मैं लेके आता हूँ यहाँ पे अर्षदीप को। यहाँ पे तीसरी विकेट जा चुकी है इफ्तिकार अहमद की, जो कि हमारे कुंफू पांडा ने विकेट लिया है। यहाँ पे थर्ड मैन की दिशा में खेलने की बॉल दलाता हूँ मैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा कवर्स पे खेलते हैं और आसानी से एक विकेट मिल जाता है। और उसका दूसरा बॉल ही यहाँ पे हैदर अली ने जो ही खतरनाक वाला ड्राइव मारा है ना, और जा चुका है फोर। यहाँ पे मैं एट ओवर लेके आता हूँ अश्विन को, और लेके आने के बाद भाई साहब जो ही खतरनाक ओवर, भाई 5 रन दिए हैं 6 बॉल के अंदर। मैं यहाँ पे हार्दिक पांड्या से जो भी ओवर थे पूरे डलवा देता हूँ, और यहाँ पे उठा के खेला उन्होंने एक्स्ट्रा ओवर्स पे, और जा चुका है 6। भाई साहब उनके रन हो चुके हैं बस 67, 3 विकेट्स और 10 ओवर हैं। और उसके बाद लास्ट के 10 ओवर जो ही पेलते हैं ना, वो क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हैदर अली ने जो ही पेल के रखा है ना बॉलर्स को, क्या ही बताऊँ भाई। एक साइड यहाँ पे जो शान मसूद है यहाँ पे टेस्ट इनिंग्स खेल रहे हैं, और ये हैं यहाँ पे जो ही पेल के रखा है ना, क्या ही बताऊँ। उन्होंने जो ही खतरनाक वाली इनिंग्स खेली थी ना 49 रन्स की, भाई साहब 50 नहीं होती उनकी कैच चली जाती है। वरना जो ही पेलते ना यहाँ पे उनका स्कोर जो ही खतरनाक वाला नेक्स्ट लेवल वाला जाता, अगर वो आउट ना होते तो। यहाँ पे 11 ओवर के अंदर हो चुके हैं 90 रन्स और 3 विकेट। यहाँ पे फ्री हिट आता है और उसको थर्ड मैन दिशा के पास जो ही खतरनाक वाला दिशा दिखाते हैं ना, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे भी उन्होंने उठा के खेला, यहाँ पे कोई भी फील्डर्स नहीं था, लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ के बीच में से उन्होंने गैप खोज के खेला, और वहाँ पे आसानी से जा चुका होता है फोर। भाई ये स्विच हिट क्या ही बताऊँ भाई। वो बंदा जो ही खतरनाक वाली बॉलिंग करा रहा था ना उस ओवर से पहले, वहाँ पे जो ही 4 फोर मार के छोड़ा है भाई उस वाले ओवर के अंदर 4 फोर, भाई साहब उस बंदे का जो ही वहाँ पे कॉन्फिडेंस था उसको ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे भी उठा के खेला हार्दिक पांड्या को, और यार यहाँ पे फिर से एक विकेट जा चुकी है। भाई साहब 49 पे आउट हो चुके हैं हैदर अली, और क्या जो ही खतरनाक यहाँ पे हमारे किंग कोहली ने पकड़ा है। शान मसूद भी यहाँ पे फाइनली 50 मार चुके हैं 46 बॉल के अंदर, टेस्ट इनिंग्स खेल रहे थे भाई यहाँ पे। और यार मेरे को नहीं पता कि क्यों किस लिए, मेरे को कद्दू भी कुछ नहीं पता भाई। मैं पहले तो बॉलिंग खतरनाक वाली करता हूँ, लेकिन आखिरी के 5 या 6 ओवर इतनी गंदी बॉलिंग कराता हूँ ना, मेरे को नहीं पता भाई ये क्यों होता है मेरे साथ, लेकिन हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ, मेरे को नहीं पता। यहाँ पे जो ही खतरनाक वाली स्टार्टिंग से बॉलिंग करा रहा था, मैंने 10 ओवर के अंदर दिए थे आई थिंक 80 या 75 रन्स दिए थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवर जो ही फेल के रखा था ना मेरे को, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे 19th ओवर कराता हूँ मैं मोहम्मद शमी से, और पहला बॉल इन्होंने उठा के खेला फाइन पे, जा चुका है फोर। और उस ओवर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा ओवर नहीं आए थे, बाउंड्री नहीं आई थी, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। यहाँ पे जो ही खतरनाक वाला 6 आसिफ अली के पास से,
भाई साहब नेक्स्ट लेवल। और उसके बाद भी ओवर अच्छा जा रहा था, एक विकेट मिल जाती है मेरे को वहाँ पे, और मैंने गलती से एडिटिंग के टाइम पे उसको कट कर दिया है, मेरे को नहीं पता क्यों किस लिए। यहाँ पे उनका हो चुका है स्कोर 183, मेरे को मारना है 184 अगर ये वाली मैच जो फाइनल है उसको जीतना है तो। क्या मैं चेस कर पाऊँगा या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप। यहाँ पे हमारी इनिंग्स का आगाज़ हो चुका है, अभी यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह ओपनिंग करा रहे हैं हमारे केएल भाई और साथ में रोहित शर्मा यानी कि हिटमैन को। और इस वाली मैच हिटमैन का बल्ला कुछ चलता नहीं है, उन्होंने भी टेस्ट मैच का आगाज़ किया था भाई। यहाँ पे पहला बॉल एक रन आता है, सेकेंड बॉल यहाँ पे उठा के खेला और उठा के खेलने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर्स पे आसानी से जा चुका होता है फोर। सेकेंड ओवर यहाँ पे फिर से मेरे को स्लॉट पे मिलता है और मैंने फाइन पे उठा के खेला था, बंदा था भाई वहाँ पे, अगर वो फीचर होता ना वो कैच होती, लेकिन वहाँ पे फोर चला जाता है, ये स्लॉट पे आ गई थी भाई। भाई स्लॉट पे आने के बाद मैं अगर उठा के ना खेलूँ ऐसा कभी हो सकता है क्या? स्लॉट पे आई, मैं उठा के खेल चुका हूँ लेग साइड पे। यहाँ पे सेम बॉल यहाँ पे डराता है, यॉर्कर रहता है, तो मैं मिड ऑन के ऊपर से और मिड ऑफ के बीच में से उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन वो जाता है कुछ और दिशा में, वो दिशा का नाम मेरे को नहीं पता। अब ये कौन दिशा है मेरे को मत पूछना भाई, दिशा मीन्स जो भी साइड होता है उसके बात बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो ही पेल के रखा है ना नसीम शाह को, क्या ही बताऊँ, 7 बॉल के अंदर 17 रन्स मार चुके हैं केएल भाई। और यहाँ पे हारिस रऊफ आते हैं, उनको भी स्वागत कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे फोर से। भाई बाउंस, मेरे को नहीं पता भाई ये बाउंस क्यों दलाते हैं इतना। बाउंस दलाने के बाद आपको भी पता भाई मैं पुल शॉट खेलूँगा या फाइन पे, क्योंकि उस दो ही शॉट के अंदर फोर या सिक्स जा सकता है, क्योंकि अगला दूसरा शॉट खेलूँगा ना तो वो बॉडी पे लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं खेलता हूँ। और मैं हमेशा की तरह लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि भाई मैं बहुत सारे वीडियोस डाल दूंगा नेक्स्ट वीक से, लेकिन डाला नहीं। क्यों भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना मेरी ज़िंदगी की वाट लग चुकी है, मैं ये बहाने नहीं मार रहा हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ। जो ही खतरनाक वाली वाट लगी थी ना भाई, ईद के दिन मैं काम किया था भाई ऑफिस जाके, ईद के दिन रमज़ान के दिन, क्या ही बताऊँ इतना काम चल रहा है ना ऑफिस के अंदर, मैं बता भी नहीं सकता, तो इसलिए वीडियोस नहीं आ रही थी। लेकिन अभी अपन की शिफ्ट चेंज हो चुकी है ऑफिस में, तो भाई अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा डालूंगा। और मैंने GTA 5 का भी बोला था, लेकिन मेरा PC का जो OS था ना ऑपरेटिंग सिस्टम वो उड़ चुका था, उसके बाद मेरे को न्यू OS डाल के पूरा का पूरा वापस से डाउनलोड करना था। और यार मेरे को नहीं पता, किसी को अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब भी रियल क्रिकेट 2022 पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करते हैं उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती है, उसको चेंज करने के बाद यहाँ पे एपिक गेम्स क्यों ओपन नहीं होता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई साहब मैंने रियल क्रिकेट 2022 इंस्टॉल कर लिया था, जो कि जो PC का गेम है उसको, लेकिन जब भी मैं खेलता हूँ ना उसके टाइम के बाद एक बार भी मैं गेम ऑन कर दिया उसके बाद मैं कद्दू भी कुछ यहाँ पे GTA 5 के लिए एपिक गेम्स ओपन ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा GTA 5 परचेज जो है वो एपिक गेम्स है, मैंने परचेज नहीं किया था, हमने फ्री का जो भी आया था गेम रिडीम किया था भाई। भाई गेम के लिए कुछ भी पैसे इन्वेस्ट ही नहीं करना है मेरे को, भाई साहब क्यों करना है इन्वेस्ट यहाँ पे गेम्स पे पैसे? आई नो करना है बट अभी नहीं है, जब और भी आगे बढ़ जाएगा हमारा चैनल तब हम लोग अच्छे अच्छे गेम्स खरीद के खेलेंगे, बट अभी के लिए मेरा PC उतना औकात का नहीं है, तो इसलिए मेरे को PC के ऊपर काम करना है अभी। होपफुली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक जून या जुलाई के अंदर एक अच्छा वाला PC खरीद लूँ या अच्छा वाला गेमिंग लैपटॉप। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो मेरी दिक्कत फेस कर रहे हो, अगर आप भी क्रिकेट डाउनलोड किया है पायरेटेड वर्जन और आपके पास GTA 5 भी है तो आपको दोनों में से खेलने के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है या नहीं बोल के। भाई मैंने रियल क्रिकेट 22 जो है वो PC के लिए डाउनलोड करके मैंने एक माई करियर मोड को भी शुरू कर दिया था भाई, मैंने 2 वीडियो भी बना दिए थे, लेकिन जब मैं जो PC रीसेट करता हूँ ना जब ऑपरेटिंग सिस्टम तब मेरे को ड्राइव्स उड़ाना पड़ता है, तब मैंने डेटा बैकअप लेना भूल चुका था, लेकिन जो चीज़ें लेना था बैकअप उसको ले लिया लेकिन वो वीडियो ले लिया नहीं, तो इसलिए जब भी न्यू रियल क्रिकेट 2022 डाउनलोड करूँगा वापस से मीन्स इंस्टॉल करूँगा उस टाइम जाके मैं वहाँ पे खेलूँगा होपफुली। और यहाँ तक हमारा भाषण ख़त्म हो चुका है, अभी यहाँ पे बाबा आजम आते हैं बॉलिंग कराने के लिए और विकेट भी किसके लिए थे? विराट भाई की। भाई बाबा आजम ने बॉलिंग करा रहे हैं पहली बार
और ले लिया है विकेट किसकी, बाबर भाई ने, विराट कोहली की। मेरे को नहीं पता भाई सिस्टम क्या ही गत्ते फूक के मीन्स जो ही नशेज करके खेलता है भाई, किसी को भी बॉलिंग दे देता है भाई। लास्ट वाली वीडियो में केन विलियमसन को दे दिया था, जो बंदा अभी तक मैंने सोचा भी नहीं था कि बॉलिंग कराएगा। मेरे को बोल रहा हूँ ना कि भाई इतना दिमाग ख़राब होता है ये क्रिकेट वालों से, क्योंकि भाई कुछ भी सही का नहीं होता है भाई। इंडिया वालों की मैच जब भी खेलता हो ना भाई, वो रियल क्रिकेट 2022 में इतने गंदे नेम से, मेरे को नहीं पता कि क्यों उन टीमों को इंस्टॉल करने तक मेरी वाट लग गई थी भाई। यहाँ पे केएल भाई की 100 हो चुकी है भाई। बंदा तो ऐसे तो खेलता नहीं है, जब ज़रूरत होती है तब ऐसा खेलता है ना, क्या ही बताऊँ भाई। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दे चुके हैं यहाँ पे, 103 रन्स हो चुके हैं भाई उनके, और यहाँ पे सिंगल सिंगल और 4-4 मार के हमने पहुँच चुके हैं जीतने की मैच को। यहाँ पे हमने 2 रन भाग के विन हो चुकी है मैच, इंडिया 1/8 विकेट। यहाँ पे जो ही खतरनाक वाला सेलिब्रेशन चल रहा है हमारे केएल भाई का, भाई हमने फाइनल मैच जीत चुके हैं यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप का। और यार यहाँ पे देखो जो ही पाकिस्तानी बॉलर्स को पेला है ना मैंने भाई, बाबर आजम ने एक ओवर डलाया, 3 रन देके 1 विकेट ले लिए भाई। मैन ऑफ द मैच यहाँ पे हमारे केएल भाई को मिल चुकी है। तो यार बस आज के लिए इतना ही है, ये वाली सीरीज आज यहीं पे ख़त्म होने वाली है। अगली सीरीज शुरू होगी IPL मैच जो भी अभी चल रही है ना 2023, उसको मैं रियल क्रिकेट के अंदर ही खेलने की कोशिश करूँगा भाई साहब। परचेस तो बिल्कुल नहीं करूँगा, कुछ और भी हम लोग जुगाड़ कर लेंगे। तो यार बस अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर करना मत भूलिएगा। और यार चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।